हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि महिंद्रा 475 कैसे चलाते हैं और बेसिक नॉलेज बताए थे, आज आप लोग को बताएंगे कैसे आज चला कर दिखाएंगे पूरा प्रैक्टिकली। देख लीजिए, पहले चारों तरफ से इसका लुक देख लीजिए। इस तरफ से महिंद्रा 475 जो कि 42 HP का इंजन है और आपका इस पर 40 HP तक लोड देने का कंपनी इशू करती है, और आप हर इसको किसी भी काम यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है जो कि इंडियन कंपनी महिंद्रा है, और ये अपनी ट्रांसपोर्ट 26 देशों में करता है। आइए आप लोग को हम चला कर दिखाते हैं। पहले तो सब कुछ बता चुके थे, आपको मालूम ही होगा, ये चला कर दिखाते हैं। आप किसी भी काम में इसको यूज कीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आप जिस गियर में इसको चलाना चाहते हैं उस गियर में चलेगी। सबसे पहले हम बताते हैं आपको जोताई करना है नौफारा से, ये कल्टीवेटर से, तो आपको आप महिंद्रा 475 से किसी भी गियर में आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। चाहे तो लो, आप ये लो हो गया, ये हाई और लो तो आपको बता ही देते। लो में चाहेंगे तो आप लो देकर 4 नंबर में भी जोत सकते हैं, और हाई एक और बड़ा खेत होगा जैसे आपका 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, तो हाई 2 में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम आप लोग को सभी गियर में बताते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। लीजिए न्यूट्रल करके गाड़ी स्टार्ट कीजिए। लीजिए आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी फ्यूल देखिए थोड़ा हमारा 10 लीटर के आसपास है। आइए हम आप लोग को बताते हैं सबसे जिस गियर में चाहेंगे सबसे पहले हमें क्लच दबाना है। क्लच दबा के फर्स्ट गियर में आपको बताते हैं। फर्स्ट गियर लीजिए और जितना हिसाब से चाहिए उतने हिसाब से आप लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चाहे चला सकते हैं आप, 2 नंबर में भी चला सकते हैं। आप इसे 2 नंबर में चला सकते हैं, देखिए अभी हाई 2 नंबर लगा है और इसे चलाने लगे, और लोड के अगर 4 नंबर में भी चला सकते हैं। देखिए आपको चला कर दिखाते हैं। जिस तरह से चाहे उस तरह से फेर लीजिए भाई, क्योंकि आपको लोड कर देकर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये इसे सेट कर सकते हैं, जितना हर लगाना है, जितना हाई करना है, जितना लो करना है। सबसे पहले हम फ्रेंड क्या करना है, ये आपकी हो गई 4 नंबर, हाई से लो करना है, फिर लोड कर देकर 4 नंबर, फिर हमें हर को अपना एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, और फिर आपको धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और एक्सीलेटर धीरे धीरे देना है, फिर आपकी गाड़ी चलने लगेगी। जैसा मोड़ आ गया इसको हम फिक्स कर लेंगे, फिर ऐसा धीरे कहाँ चला जाएंगे। चलिए फ्रेंड ठीक है, हम फिर आपको कल सिखाएंगे। ये आपका कल्टीवेटर है, कल सिखाएंगे आपको रोटर कैसे चलाते हैं महिंद्रा 475 से।